मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल होप वी हैव रेड वन पेज फ्रॉम लेसन। सो विस यू हैव रेड आपने क्या पढ़ा अभी तक आपने पढ़ा है दिस इज द स्टोरी अबाउट अ हैप्पी प्रिंस क्लियर क्या पढ़ा आपने कि ये स्टोरी किसके बारे में है हैप्पी प्रिंस के बारे में है और जब प्रिंस की डेथ हो जाती है प्रिंस मर जाता है तो पीपल क्या हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं वाई क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था वो हमेशा क्या करता था पीपल्स की पीपल की वो हेल्प करता था दैट्स वाई पीपल वर वेरी सैड आफ्टर डेथ क्लियर उसके बाद क्या होता है जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका क्या बना जाता बनाया जाता है स्टैचू बनाया जाता है क्लियर प्रिंस का स्टैचू बनाया जाता है और उस स्टैचू को डेकोरेट किया जाता है किसके साथ है प्रीशियस स्टोन्स के साथ प्रीशियस स्टोन्स उसमें लगाए जाते हैं क्लियर और आफ्टर दैट व्हाट यू रेड क्या पढ़ा आपने उसके बाद पढ़ा कि जब उसका स्टेचू बनाया जाता है वन डे आ स्वेलो केम देयर एक स्वेलो आता है और वो कहा रेस्ट करना कर, करता है उसके फीट में क्लियर उसके पैरों में वो रेस्ट करता है एंड व्हेन ही वाज रेस्टिंग ही सा टीयर्स वो टीयर्स वर कमिंग आउट फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टेचू क्लियर वी हैव रेड अप टू हेयर क्लियर सो डियर किड्स

वो किसी को क्या देख रहा है बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी और सैड देख रहा है और उसी की वजह से वो भी क्या है बहुत ही ज्यादा सैड है क्लियर द स्वेलो वो सरप्राइज एंड आस्ट अबाउट वट ही सी अब स्वेलो सरप्राइज होता है और पूछता है कि वो क्या देख सकता है उसने क्या देखा है द प्रिंस टोल्ड हिम दैट ही हैड सीन at एट अ फार प्लेस वेयर अ पुअर woman लिव्ड अब वो क्या कहता है प्रिंस प्रिंस कहता है कि उसने एक घर में एक ओल्ड वूमन को देख रहा है जो यहाँ से दूर है वो क्या है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है सी वोज वेरी सैड बिकॉज सी हैड नो मनी टू बाय फूड सी वॉज वेरी सैड वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी वाई बिकॉज सी हैड नो मनी क्योंकि उसके पास कोई मनी नहीं है टू बाई फूड फूड खरीदने के लिए एंड मेडिसन्स और मेडिसंस खरीदने के लिए फोर हिज सन अपने सन के लिए हु वॉज वेरी सी कैंड अनहेल्दी वो क्या कहता हैप्पी प्रिंस को कि वो एक ओल्ड वूमन को देख सकता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है दुखी है क्योंकि उसका जो सन है वो क्या है सिख है और अनहेल्दी है एंड सी हैड नो मनी टू बाय फूड एंड ए मेडिसन्स द प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू हेल्प द वुमन अब प्रिंस रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से कि वो वूमन की क्या करे मदद करे कैसे ही गेव वन ऑफ द जर्ल्स ऑफ हिस सॉर्ट टू द स्वेलो एंड आस्ड टू हैंड इट ओवर टू दुअर ऑल्ड वूमन अब प्रिंस ने क्या किया प्रिंस ने अपनी शोर से एक ज्वेल्स निकाला ठीक है और किसको दे दिया वो स्वेलो को दे दिया और कहा कि इसको किसको दे दें पुअर ऑल्ड वूमन को सी बिकेम हैप्पी आफ्टर गेटिंग द ज्वेल्स एज सी गुड बाय मेडिसन्स एंड गुड फूड फॉर हर सन एंड हर सेल्फ़ जब उसको वो ज्वेल्स मिलेगा जब उसको वो मोती मिलेगा तो क्या होगा क्या होगी वह बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी क्योंकि वो उसे फूड भी खरीद सकती है मेडिसन्स भी खरीद सकती है अपने बेटे के लिए और अपने लिए दस वेलो आज द प्रिंस इफ ही वॉज फीलिंग कॉल्ड अब स्वेलो प्रिंस से पूछता है कि इफ़ ही वॉज फीलिंग कोल्ड क्या उसको कोल्ड लग रही है द प्रिंस रिप्लाइड प्रिंस रिप्लाई करता है दैट बाय डूइंग अ गुड डीड ही हैड गोट वॉम्थ कि उसने इतना अच्छा काम किया है कि जिसकी वजह से क्या हो रही है उसको खुशी मिल रही है उसको ठंड नहीं लग रही द स्वेलो वॉन्टेड टू तो फ्लाई टू तो द वॉम प्लेस वेयर द मेम्बर ऑफ हिज फैमिली हैड गॉन अब जो स्वेलो है वो वोम प्लेस में फ्लाई करना चाहता है जहाँ पर उसकी फैमिली के दूसरे मेम्बर जा चुके हैं स्वेलो वहाँ अकेला रह गया है ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गो द सेम प्लेस वेयर हीज़ फैमिली मेम्बर्स आर क्लियर इसी वजह से वो क्या कहता है ही बेड गुड बाय टू द प्रिंस वो प्रिंस को गुड बाय बोलता है बट ही कौन है आपी प्रिंस बट ही रिक्वेस्टेड द स्वेलो नो टू लीव हिम लेकिन जो प्रिंस है वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको लीव ना करे उसको छोड़ के ना जाए ही वॉन्टेड सम मोर वर्क टू बी डन बाय द स्वेलो वो स्वेलो से और भी ज़्यादा वर्क करवाना चाहता है यानी कि कुछ और काम भी वो स्वेलो से करवाना चाहता है स्वेलो जाना चाहता है वहाँ से वोन प्लेस की तरफ लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको छोड़ के ना जाए शायद वो उससे और भी कुछ और दूसरे डीट्स करवाना चाहता है वन आफ्टर द अदर ही गेव आउट द जर्ल्स फ्रॉम हिज बॉडी अब जो उसकी बॉडी पे जर्ल्स लगे हुए थे एक तरह से मोती लगे हुए थे जो गहने लगे हुए थे वो उसने एक के बाद एक करके स्वेलों को दे दिए यानी कि किसी की मदद करने के लिए एंड एट लास्ट ही गेव ऑल द पीसीज ऑफ गोल्ड क्लोथ्स और आखिर में आके उसने जो उसके पीसीज थे ना गोल्ड क्लोथ्स यानी कि गोल्ड क्लोथ्स के जो पीसीज लगे हुए थे उसके ऊपर वो अभी सारे उसने स्वेलो को दे दिए ही हेल्प द पुअर यंग मैन अब उसने पुअर यंग मैन की हेल्प की हु वॉन्टेड टू राइट गुड थिंग्स बट ही वॉज अनेबल टू डू एज ही कुड नोट बाई पेपर ड्यू टू वॉन्ट ऑफ मनी अब उसने एक ऐसे यंग मैन की मदद की थी जो कुछ लिखना चाहता था लेकिन उसके पास क्या था पैसे नहीं थे कि जिससे वो पेपर पेन खरीद सके तो हैप्पी प्रिंस ने क्या कि उसकी मदद की उसको ज्वेल्स दिया ताकि उसकी मदद से वो अपना काम कर सके। द प्रिंस हेल्प दो हेल्प द लिटल गर्ल हु वॉज सेलिंग मैसेज बट ड्यू टू हैवी कोल्ड हर मैसेज वुड हर मैसेज बिकेम वेट एंड सी वुड नॉट सेल देम अब प्रिंस ने उस लिटल गर्ल की हेल्प की हु वॉज सेलिंग मैसेज जो अपनी माचिस बेच रही थी लेकिन हैवी कोल्ड के कारण उसकी मैसेज क्या हो जाती थी वेट हो जाती थी क्लियर और जिसकी वजह से वो उनको नहीं बेच पाती थी सी वॉज अफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर आफ्टर रीचिंग होम और वो डर भी रही थी कि अगर वो घर पहुंचेगी तो उसके पिता क्या करेंगे उसकी पिटाई करेंगे द प्रिंस नेवर वॉन्टेड टू सी एनीबडी अनहैप्पी इन द वर्ल्ड अब जो प्रिंस था वो किसी को भी अनहैप्पी नहीं देख सकता था वर्ल्ड के अंदर ही गेव द जर्ल्स ओफ इज़ आइज एंड मेड द गर्ल हैप्पी आखिर में जब उसने अपने सारे ज्वेल्स दे दिए अपने शोर से निकाल के सारे ज्ल्स दे दिए अपने जो गोल्ड क्लोथ्स के जो पीसीस थे वो भी उसने लोगों की मदद के लिए दे दिए तो आखिर में उसने क्या किया ही गेव द ज्वेल्स ओफ इज आइज़ अपनी आइज़ में से उसने ज्वेल्स निकाल के दिए एंड मेड द गर्ल हैप्पी और गर्ल को क्या किया हैप्पी किया खुश कर दिया The day came when all the jewels of his body were gone, और आखिर में आके उसके बॉडी से जितने भी ज्वेल्स थे जितने भी मोती थे वो सारे क्या हो गए चले गए खत्म हो गए द प्रिंस लुक्ड अगली एंड शेबी अब प्रिंस कैसा दिखाई देने लगा अगली और शैब यानी कि एक तरह से अब वो ब्यूटीफुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जितने भी जो डेकोरेशन हुई थी उसके ऊपर वो सारी क्या हो चुकी थी खत्म हो चुकी थी उसने अपने सारे ज्वेल्स निकाल के दे दिए थे द स्वेलो नेवर लेफ द प्लेस अब स्वेलो ने भी उस प्लेस को नहीं छोड़ा रेदर ही कैप्ट ऑन हेल्पिंग द प्रिंस इसकी बजाय उसने प्रिंस की मदद करता रहा वो पहले तो वो जाना चाहता था लेकिन जब उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस कितने अच्छे डीड्स कर रहा है कितने अच्छे वर्क कर रहा है तो उसने भी कहीं जाने से मना कर दिया वो भी उसके साथ ही रहने लगा स्नो किम the उसके बाद स्नो आती है द लिटल स्वेलो गोट कोल्डर एंड कोल्डर अब स्वेलो को ज्यादा से ज्यादा ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है ही न्यू दैट हीज एंड हैड कम अब वो जानता था कि जो उसका एंड है वो आ चुका है तो अब तक आपने क्या पढ़ा डियर किड्स अब तक आपने पढ़ा कि किस तरह से प्रिंस लोगों की मदद करता है एक वूमन की मदद की जो क्या था जिसका बेटा क्या था बीमार था वो अपने बेटे के लिए मेडिसन्स नहीं खरीद सकती थी ठीक है फिर उसके बाद उसने क्या किया जब वो स्वेलो वहाँ से जाना चाहता है, तो प्रिंस उसको मना कर देता है उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ ही रहे ठीक है और वन बाय वन करके उसके जितने भी ज्वेल्स थे उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी ज्वेल्स लगे हुए थे सारे वो निकाल के दे, दे दे देता है वो एक यंग मैन की मदद करता है जो कुछ लिखना चाहता है लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से वो पेपर और पेन नहीं ख़रीद सकता तो वो हैप्पी प्रिंस उसकी भी मदद करता है एक लड़की है जो मैचेस सेल करती है लेकिन कोल्ड की वजह से उसकी मैचेस क्या हो जाती हैं वेट हो जाती हैं तो वो उसकी भी क्या करता है मदद करता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं रहता कुछ भी डेकोरेशन नहीं रहती कुछ भी जैसे प्रीसीस स्टोन्स लगे हुए थे वो नहीं रहते हैं क्लियर अब वो अगली और शैबी दिखने लगता है अब जो स्वेलो है वो अभी क्या है वो उसके पास ही रहता है स्नो आती है स्नो में उसको क्या होती है ज्यादा कोल्ड लगती है लेकिन वो वहां से नहीं जाता है स्वेलो और स्वेलो को पता होता है कि उसका एंड अब नियर है नज़दीक है वो अब मरने वाला है क्लियर सो डी स्टूडेंट्स आवर दिस वन इज लेफ्ट वी विल read it tomorrow it is all for today you will read page number 16 and 17 clear and if you have any kind of query regarding this chapter you can write in comment box